नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें पहले दिन माँ दुर्गा के पहले रूप माता शैलपुत्री की ही पूजा होती है। आइए जानते हैं आखिर कौन है माता शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने हिमालय के यहाँ उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया था। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसी वजह से भक्तगण इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी पुकारते हैं। यह देवी सती का दूसरा जन्म है जिसमें उन्होंने अपने एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में कमल धारण किया हुआ है। अब जानते हैं देवी शैलपुत्री की कहानी। एक बार प्रजापति यक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सभी को बुलाया मगर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि यह कोई मामूली बात है। वह यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी किंतु भगवान शंकर को यह उचित नहीं लगा। अंत में देवी सती के बार बार अनुरोध करने के कारण भगवान शंकर को उनके आगे झुकना पड़ा और उन्होंने माँ सती को यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी। देवी सती जब अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुँची तो वहाँ उनकी बहनों ने उनके साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया, साथ ही उन्होंने उनका और उनके पति भगवान भोलेनाथ का मजाक उड़ाया। केवल उनकी माँ ही थी जो उन्हें प्यार कर रही थी। जब पिता प्रजापति यक्ष ने भी भगवान शंकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इससे माँ सती को बहुत दुख हुआ। अपने पति के अपमान को देवी सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी यज्ञ की अग्नि में कूद गई और खुद को जलाकर भस्म कर लिया। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो वे बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। इसी के बाद जब देवी सती ने शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया तो वे शैलपुत्री के नाम से जानी गई। माता शैलपुत्री को श्रद्धालु देवी पार्वती और हेमवती के नाम से भी पुकारते हैं। आगे चलकर इनका ही भगवान शंकर से विवाह भी हुआ था। आइए अब जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा से होने वाले लाभ के बारे में। देवी शैलपुत्री के पास अनंत शक्तियाँ मानी जाती हैं। जो भक्त नवरात्र में माँ शैलपुत्री की सच्चे मन से आराधना करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में जो कन्याएं पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करती हैं उन्हें उत्तम वर भी प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित दोष खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और खूब शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अनेक रोचक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों से हम आपको परिचित कराते रहें।